वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, जिवें कि गुरबाणी के साडे चलते मुकाबले, गुरबाणी उच्चारण मुकाबले के चलते तहत अज असीं अमृतसर दे पवित्र धरती गुरद्वारा गुर का बाग पहुँचे हैं जी। इत्थे साडे कोल सवेर तो काफ़ी स्कूल दे बच्चे साडे कोल पहुँचे ने, इस मुकाबले हिस्सा लै रहे हैं। तो संगत विच वी इक बेटी साडे कोल पहुँची है जी। ये पहला गुरु अंगद देव स्कूल विच पढ़ती सी, उत्थे इन्हां ने सहज पाठ आरंभ किया सी, ते हुण अपनी स्टडी कंप्लीट करके इत्थे साडे कोल पहुँची है। आओ असीं इन्हां नाल गलबात करते हैं कि किवें इन्हां ने सहज पाठ आरंभ किया, तो जिंदगी सहज पाठ करन दा इन्हां दा किवें विचार बनिया, तो अज ये सहज पाठ करके संपूर्ण करके साडे कोल पहुँचे ने। इन्हां दी जुबानी असीं इन्हां दा अनुभव सुनते हैं जी। हाँ जी पुत्र, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। की नाम आप जी का जी? हरमनदीप कौर। हरमनदीप कौर जी, तुसी अपने बारे कुछ कि पढ़े हो दस्यो संगत जरूर। सर मैं प्लस टू क्लीयर की हुई है श्री गुरु अंगद देव पब्लिक सीनियर सैकेंडरी स्कूल चमियारी तो। उस तो बाद मैं एक साल मैनेजमेंट का डिप्लोमा किया। उस तो बाद मैं हूँ आयल्स क्लीयर करके होनी रीसेंटली आयल्स क्लीयर की हुई है सर। तो तुसी हुण तक किन्ने सहज पाठ कर चुके हो जी? सर आप मैं कल्ली ने दो किते आ, ते मैं अपने मम्मा ना भी रल के करती पई हाँ, तो उस तरह मतलब कि ग्रुप बने हुए सहज पाठ के उद्दे भी सर मैं हिस्सा पाया हुआ। हाँ जी संगत जी, जिमें कि असं आप जी दसना चाहते हैं कि जिमें घर घर में जाके ये लहर दे जिहड़े भी वर्कर ने भी स्कूलों जाके घर घर में जाके सहज पाठ नाल संगत नूं जोड़दे ने। तो इत्थे अपने कोल एक वट्सएप के ग्रुप भी बने हुए हैं जिहड़े कि महीने में दो बारी स्टार्ट हुंदे ने। उस ग्रुप के जिवें गुरबाणी एक लड़ीवार चलती है, संथिया भी चलती है, तुसीं संथिया भी लै सकते हो। जिहड़े कि कई माता पिता पढ़े लिखे नहीं हुंदे ते वह भी इस विच गुरबाणी सुनने वास्ते भी नाल आउंदी, मतलब कि आप ऑडियो भी आउंदी है ते वीडियो भी आउंदी है ते नाल राइटिंग विच भी चलता है, ते वह बोल बोल के समझाउंदे ने, संथिया भी दिंदे ने। ते इहदे विच तिन्ने तरह की लैंग्वेज तुहानूं पता ही है ना, तुसीं करदे रहो जिवें बेटी दस रही है, इंग्लिश विच भी, पंजाबी विच भी, ते हिंदी विच भी गुरबाणी चलती है जी। ते पुत्र तुहाडे सहज पाठ करन दा कोई अनुभव तुहाडे घर विच जां आप जी दे जीवन विच कोई घटना घटी होवे संगत नाल जरूर शेयर करो जी। सर घटना तो कि मतलब कि पहला ही मेरे च खुद च बड़े चेंज आए सहज पाठ करन दे नाल। पहला जिद्दां कि मैं बड़ा मेरा गुस्सा बहुत ज़्यादा मैनूं आउंदा सीगा, तो आफ्टर सहज पाठ करन तो बाद ये मेरे च चेंज आया कि मेरा गुस्से का लैवल थोड़ा जिहड़ा ओह घट गया, मेरा गुस्सा करना जिहड़ा ओह घट गया। उस तो बाद कि हाँ मैं गुरबाणी नाल जुड़न का एक मौका मिलिया ये श्री सहज पाठ के थां ही, तो मैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के नाल भी मतलब कि जुड़ी सहज पाठ के थ्रू। बिल्कुल जी, जिहड़े कि जिहड़े विकार ने साडे पंज विकार सानूं बहुत तंग करदे ने, गुस्सा जिहदे विच बिल्कुल काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जदों असीं गुरबाणी पढ़ते हाँ तो ये दूर हो जाते हैं है ना, मतलब कि यह साडे कंट्रोल च आ जाते हैं, खत्म नहीं असीं इन्हां नूं कर सकते पर साडे कंट्रोल च आ जाते हैं। सानूं पता कि असीं किहड़े वेले किदां अपने सिचुएशन हैंडल करनी है, ये चीज़ तुसीं सीखी है गुरबाणी पढ़न तो बाद है ना। तो गुरबाणी की पंक्ति है मिठ बोलड़ा जी, मिठ बोलड़ा हर सज्जन स्वामी मोरा है ना, मतलब कि जे परमेश्वर मिठा बोलता है इदा ही साढ़े मिठास भर जाती, गुस्सा साढ़े अंदर खत्म हो जाता है। तुहाडे पिता जी नाल आए ने जी? हाँ जी। वीर जी वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। आप जी का शुभ नाम जी? सरदार हरजिंदर सिंह जी। सरदार हरजिंदर सिंह जी, आप जी की कार्य करते हो जी? सर मैं खेतीबाड़ी करता हूं। खेतीबाड़ी बहुत वधिया जी, महाराज किसी सियाण ने कहा कि उत्तम खेती मध्यम व्यापार तंद खेत नौकरी है ना, तुसीं खेतीबाड़ी करते हो, गुरु नानक की खेती करते हो, तो तुहानूं किदां दा लगता कि तुहाडी बेटी इस लहर नाल जुड़ी है, सहज पाठ नाल जुड़ी है? तुसीं जरूर बहुत वधिया लगता जी, जदों घर दे विच सहज पाठ हुंदा वा तो बड़ा मन में शांति मिलती है, सारा परिवार चलो जुड़ के बैठता। तो आप कितना पढ़े हो जी? सर मैं प्लस टू की है। प्लस टू की है, बहुत शाबाश। तो अपना बाणी पढ़ लेंगे हो गया, आप भी पंजाबी वधिया पढ़ लेंगे? हाँ जी सर। तो सहज पाठ कभी किया अपनी? नहीं सर मैं नहीं किया जी, बेटी करती है। तो घर कभी विचार बनया यार इदा भी बेटा भी पहला भी बाहर हैगा जी, तो हूँ कल तो फिर वैसे असं आप जी को बेनती करते हैं कि जो तुम प्लस टू भी की है ना, पंजाबी वधिया पढ़ लेंगे हो, तो सहज पाठ अपनी जिंदगी क्योंकि साड़ी रहत बरादर लिखिया है कि हर एक सिख सीखनी बच्चे अपनी जिंदगी घट तो घट एक बार सहज पाठ करना जरूर चाहिए है ना, मतलब कि अपनी रेंदी दुनिया तक जिंद तक साढ़े सुस ने आप एक बार अपने गुरु के दर्शन तो करिए। तो गुरु के दर्शन यो ही ने कि एक ओंकार तो लैके तो 18-10-20 तक असं 1400-30 अंक जेड़े खुद दर्शन करिए। तो अस बेनती करते हैं कि तुम भी सहज पाठ आरंभ करो। ठीक है पुत्र, होर तुम कोई संगत को स्नेहा देना चाहो? तो मैं यही कहना चाहनी कि वो वो संगत जी जिदा सारों नहीं उपराला करन डे ने है ना, इन्ना ज़्यादा करन डे ने, संगत में भी जरूर इन्होंने जुड़ना चाहिए है, तो वो सहज पाठ करके गुरबाणी का ला लेना चाहिए है। बिल्कुल जी, संगत जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। इदा ही साड़ी लहर नाल बच्चे काफ़ी जुड़े ने, तो होर जुड़ते रहन, यो असीसा ने। तो ये बेटी भी जेडे घर जाए उ चानन का चानन प्रकाश करे, क्योंकि ये अंदर अपने प्रकाश होया गुरबाणी पढ़ के, तो क्योंकि धिया ने एक घर नहीं दो घर सामने होंगे ने, तो जे असी धियां इस बन्ने ला दीए ना तो बड़ा वधिया समाज सिर सकते हैं।
जिहो जिहे माहौल हुण समाज दे बन रहे आ अपने घर दीआं धीआं नूं गुरबाणी दी लड़ ला दईए तां कि आउण वाले जिहड़े साडी पीढ़ी आ ओह गुरबाणी दी लड़ लगी होवे। धन्नवाद जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।